अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ समोसे की स्पेशल चटनी की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ, तो चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसे की चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे, मेरे पास लेफ्ट ओवर शीरा था, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर शीरा नहीं है तो आप तकरीबन 1 कप चीनी और 2 कप पानी लेके उसका शीरा बना लें। यहाँ मेरे पास 1 कप शीरा और 1 कप पानी का है, और उसमें मैं जो चीज़ें शामिल करूँगी वो आधा कप जो है मेरे पास इमली का है। ये मैंने भिगो के और अच्छा सा इसको जो है गुठलियों के बगैर वाली इमली थी और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये 1/2 कप है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून जीरे का, 1 टीस्पून जो है ये ड्राई जिंजर है। अगर आपके पास ड्राई जिंजर नहीं है तो आप फ्रेश अदरक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। आधी चमची जो है मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून ही मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 पिंच मैंने लाल रंग ले लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको ऐड ना करें। और साथ मैंने हींग ले ली है 2 चुटकी, और उसके साथ 2 चमचियाँ मैंने ले ली हैं कॉर्नफ्लोर की। तो चले आए शुरू करते हैं। अब मैंने चूल्हे पे एक पैन रख लिया और इसमें जो है मैं अपना शीरा और ये जो पानी है इसको शामिल कर देती हूँ, और इसको जो है थोड़ा सा मैं पकने दूंगी 1-2 मिनट। ये पक जाए तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हम इस पानी में जो है शामिल कर लेते हैं जीरा, फिर इसमें हम डाल लेंगे सौंठ, करूरी मिर्चें, लाल मिर्च, नमक, हींग और लाल रंग, और इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। और हम साथ ही इसमें अब अपना जो इमली का मैंने भगो के पल बना लिया था, गूदा सा ग्राइंड कर लिया था, उसको हम शामिल कर लेते हैं। और हम इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा जो है पकने देते हैं कम से कम 5 से 7 मिनट तक। तो 5-7 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि तमाम मसाले जो है अच्छी तरह यकजान हो जाए, और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमें क्या करना है। अब आप देख सकते हैं कि 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको खूब अच्छा सा पका लिया है और सारी चीज़ें यकजाम हो चुकी हैं। अब मैं जो 2 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर का लिया था, आधा कप पानी में मैंने अच्छा सा घोल लिया, और अब उसको मैं जो है आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल कर लूँगी। आप देखते हैं कि बाज़ार में जो चटनी में एक लेस सी मिलती है वो ये कॉर्नफ्लोर की वजह से ही बनती है, तो इसको हम शामिल कर लेते हैं। अब ये देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार समोसे की चटनी बनके तैयार है। मैंने इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के मज़ीद इसको जो है 5 मिनट तक और पका लिया था। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी चटनी अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको जो है डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार समोसा चटनी बनके तैयार है। ठंडी हो जाए तो आप इसको फ्रिज में किसी एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख दें, और इसको आप लंबे अरसे तक आराम से खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी है, इसको आप समोसों के साथ खूब इंजॉय करेंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।